Good morning, class 7. Today I will teach you science 13th chapter, motion and time. First topic was covered by first introduction, second is motion, third is slow and fast motion, and fourth is distance, and fifth is speed, and sixth is distance time graph. Okay, so first I explain motion. Motion kya hai? Okay, so definition se ye hai, the action or process of moving or being moved is called a motion. Okay, koi bhi aapka kya hai ki change of position, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, कोई भी object है, जब उसकी position में change होता है, तो वो किस में आएगा आपका? Motion में कहलाएगा, ठीक है? वो object है, चाहे कोई भी चीज है आपकी, वो किस condition में कहलाएगा? Motion में कहलाएगा. तो so that the action or process of moving any object, कि action or process of moving or being moved is called a motion. जो introduction में आपके lesson motion and time में सबसे पहला जो topic है आपका motion है, तो acting process आपका यह इस तरीके से कह दीजिए change of position with time. किसके साथ साथ? Time के साथ इस condition is called a motion. उस object की वो condition आपकी क्या कहलाएगी? Motion कहलाएगी. अब type of motion. How many type of motion? Two type of motion. First is uniform motion and second is non-uniform motion. Uniform motion क्या होगा आपका? कि on the earth आपका क्या है? An object moving along a straight line. कोई भी object है जो कि क्या करेगा? एक straight line में क्या करता रहेगा? Straight line with a constant speed. उसकी speed क्या हो? Constant है. Then it is called a straight. आपका क्या कहलाएगा? Uniform motion. कोई भी object है, वो क्या है? उसकी speed आपकी constant है. क्या है? कि एक ही अगर वो 10 किलोमीटर पर hour की speed से move कर रहा है, तो उसकी speed उतनी ही होनी चाहिए. Then it is called a uniform motion. ठीक है? Second है non-uniform motion, जिसमें कि क्या हो आपका? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है मूविंग इन द कांस्टेंट स्पीड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर लॉन्ग ड्यूरिंग ऑफ अ टाइम, है ना? इफ द स्पीड ऑफ आपका जो भी ऑब्जेक्ट है मूविंग अ स्ट्रेट लाइन एंड कीप चेंजिंग, ठीक है? क्या होगा उसका? किस में होगा? स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इस तरीके से क्या हो कि स्पीड उसकी चेंज होती है, यानी तो उस कंडीशन में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा. अब उसके बाद है आपका कि अदर स्ट्रेट लाइन मोशन. आपका स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है? अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मोशन. इसको हम क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगुलर मोशन भी कह सकते हैं. इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा? मूव करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो कि सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स की जो परेड होती है वो किस तरीके से होती है? एक स्ट्रेट लाइन में होती है. तो उस सोल्जर के थ्रू जो मूवमेंट किया गया है उसको हम क्या कहेंगे? एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम उसको स्ट्रेट लाइन मोशन. दूसरा है सर्कुलेशन मोशन. सर्कुलेटिंग मोशन क्या होगा? कि इन सर्कुलेशन मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव such that its distance from a fixed point around the same. For example, अगर हम क्या करते हैं कि कोई object ले लिया हमने इस तरीके से, ठीक है, कि इसकी distance ये equal है, इसको हमने 5 cm ले ली. इस तरीके से ये क्या करता है? इसकी चार और 5 cm के according ये क्या हो रहा है? इस path पे ही motion कर रहा है. तो ये path आपको ये पूरा क्या बनेगा? एक circular form में बनेगा. तो इस तरीके सर्कुलर मोशन कह सकते हैं. थर्ड है इसमें पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन में क्या है आपका? कि मोशन दैट रिपीट इट्सेल्फ आफ्टर सम
पीरियड कि उसमें क्या है पीरियड टाइम कब हो रहा है टाइम इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन. फॉर एग्जांपल आप इसके लिए कह सकते हो सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम में किस तरीके से होता है कि ये आपका क्या है सिंपल पेंडुलम का एक डायग्राम है. इसमें क्या होता है एक थ्रेड होता है. थ्रेड से क्या है ये मेटलिक बॉल होती है. मेटलिक बॉल को इसको मॉक होता है. इस तरीके से क्या किया जाता है फिक्स किया जाता है. ठीक है तो इस तरीके से अगर हम क्या करें इस बॉल को अगर थोड़ी सी डिस्टेंस ले लें ये हमने पॉइंट ले लिया ए और ये पॉइंट ले लिया बी. इस तरीके से क्या करते हैं इसको मोशन कराते हैं. ए पॉइंट पर लाके हम इसको क्या कराते हैं मोशन कराते हैं. तो ये क्या करेगा ये बॉल क्या करेगा अपने अपने इसको टाइम के साथ साथ क्या करेगा अपने जो सिचुएशन है उसको भी चेंज कर रहा है. फिर देन ये यहाँ से क्या होगा वो कि बी पॉइंट पर जाता है. बी पॉइंट से फिर से क्या होगा क्या है ये ओ पॉइंट इसको ओ क्या है इस सिचुएशन को हमने ओ कहा. ओ से ए एंड ए से फिर ओ और ओ से फिर से रिपीट करेगा बी को एंड देन ये कहाँ आएगा आपका ओ पोजिशन में. ठीक है तो इस तरीके से क्या होगा कि इसमें क्या हो गया ये एक क्या होता है कि मोशन चल रहा है. तो इस तरह कहता है अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट अ स्मॉल मेटलिक बॉल. कि मैंने पहले बताया था कि जो सिंपल पेंडुलम है ये किससे कंसिस्ट होता है एक मेटलिक बॉल. ठीक है इसको हमने क्या नाम दिया बॉल जो है उसको थ्रेड से क्या कर दिया है फिक्स कर दिया है. तो ये क्या है बॉब के रूप में और क्या फॉर्म बन गया सिंपल पेंडुलम के. जस्ट लाइक आपने वॉच देखी होगी जो आपकी बॉल वॉच होती है उसमें भी क्या होता है सिंपल पेंडुलम टाइप के क्या होती है इस तरीके से सिंपल पेंडुलम का यूज किया जाता है. ठीक है तो बॉल आज द सस्पेंड फॉर्म में रिजिड स्टैंड ऑन ए थ्रेड. ठीक है तो मेटलिक बॉल को हमने क्या नाम दिया बॉब का नाम दिया. ठीक है अब वेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज आफ्टर टेकिंग इट स्टेट वन साइड. कि हमने क्या कर दिया स्टेटली हमने इसको एक साइड में क्या करा स्टेटली क्या था मूव कराया. देन ये क्या करेगा अपने प्लेस को क्या है स्टेटली वन साइड इट बिगेन टू मूव टू फ्रो एंड क्या करेंगे देन एंड फ्रो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एग्जाम्पल ऑफ अ ये क्या है ऑफ ए पीरियोडिक. ये किसका एग्जाम्पल है पीरियोडिक और इसे हम कहेंगे ऑक्सिलेटरी मोशन. ये मोशन किस तरीके से हो गया ऑक्सिलेटरी मोशन है. तो इस तरीके से क्या करेगा बॉब ओ से होते हुए क्या है बी में जाएगा ओ सॉरी ए है ए से होते हुए क्या है बी ओ सिचुएशन में आके दोबारा से क्या जाएगा बी में जाएगा और बी से कहां तक ओ तक आएगा. तो ये एक क्या कहलाएगा इसका वन ऑक्सीलेशन. क्या कहलाएगा वन ऑक्सीलेशन. तो इस तरीके से है ये जितना टाइम इसने क्या है कि ओ से ए एंड ए से फिर ओ एंड देन बी एंड बी से कहां तक ओ तक ये उसी पोजीशन में आ रहा है. तो ये क्या है इस ऑक्सी जो आपका ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड कहलाएगा. सो दैट द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट ठीक है वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड.